4 जनवरी 2024 वह दिन था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप जाते हैं और लक्षद्वीप की अपनी कई फोटोज को ट्विटर पर अपलोड करते हुए ये कैप्शन देते हैं कि फॉर दोस हु वांट्स टू एम्ब्रेस द एडवेंचर इन देम लक्षद्वीप हैज टू बी ऑन योर लिस्ट। दोस्तों, इन सभी बातों में प्राइम मिनिस्टर ने कहीं भी मालदीव का चर्चा तक नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है जिसके बाद ट्विटर पर हैशटैग बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लग जाता है। और देखते ही देखते यह कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई कि कई बॉलीवुड एक्टर्स जैसे कि अक्षय कुमार और सलमान खान भी इसमें कूद पड़ते हैं और वे ट्वीट करके लक्षद्वीप जाने की सजेशन देते हैं मालदीव के बजाय। दोस्तों, ये इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के लक्षद्वीप वाले फोटो पर मालदीव्स के रूलिंग पार्टी के कई मिनिस्टर्स आपत्तिजनक ट्वीट करने लगे। यहां तक कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को ट्रोल करने के साथ साथ भारत के बारे में भी कई आपत्तिजनक ट्वीट्स करने लगे। वे यहां तक बोल बैठे कि भारत कभी भी मालदीव के बराबर हो ही नहीं सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये ट्वीट्स और बायकॉट्स क्या सिर्फ सोशल मीडिया बायकॉट्स तक सीमित हैं या इससे भी आगे कुछ और? तो दोस्तों, ये सब एक जियोपॉलिटिकल पॉलिटिक्स है। हाल ही में हुए मालदीव से इलेक्शंस में मालदीव अपना नया प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू को चुनता है। मोहम्मद मुइज्जू वे शख्स है जो चुनाव में इंडिया आउट कैंपेन को अपना अहम मुद्दा बनाते हैं और इसी मुद्दे के तहत वे चुनाव जीत भी जाते हैं। और इतना ही नहीं, चुनाव जीतने के तुरंत बाद वो भारत के खिलाफ कई स्टेप्स उठाना भी शुरू कर देते हैं। इससे पहले इंडिया मालदीव रिलेशंस काफी बेहतर थे। इनफैक्ट ये एक कल्चर सा बन गया था कि जो भी प्रेसिडेंट मालदीव में चुने जाते थे वे सबसे पहले इंडिया दौरे पर आते थे, क्योंकि वे जानते थे कि भारत उनका सबसे नजदीकी ऐसा पड़ोसी देश है जो समय पड़ने पर उनके काम आ सकता है। और ऐसा भारत ने कई बार किया भी है। 2014 में हमने ऑपरेशन वाटर के तहत मालदीव्स को फ्री वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराया था और इसके बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। इतना ही नहीं, हाल ही में कोविड-19 के दौरान भारत ने मालदीव्स को कोविड-19 के 1,00,000 डोजेस वैक्सीन के फ्री में प्रोवाइड कराए थे। मालदीव्स के रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स को ये ऑब्जेक्शन है कि हमारे कुछ मिलिट्री पर्सन्स मालदीव में है, और ये मिलिट्री पर्सन्स तब मालदीव गए थे जब 2009 में भारत ने मालदीव को कई हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट दिए थे। इन्हीं इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस के लिए ये मिलिट्री पर्सन्स मालदीव में हैं। इसके साथ साथ एक समझौते के तहत हमने मालदीव्स में 10 रडार स्टेशंस बनाए हैं जिसका इस्तेमाल करने की इजाज़त हमें अगले 30 साल तक है, इसलिए भी ये आर्मी वहाँ पर है। लेकिन मालदीव्स के रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स को ऐसा लगता है कि इस छोटी सी आर्मी को वहाँ रखकर हम मालदीव्स पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। दोस्तों, हिंद महासागर का विश्व व्यापार में एक काफी अहम रोल है। भारत हिंद महासागर और अरब सागर में अपने आर्मीज को तैनात किए हुए है ताकि वो पायरेट्स से लड़ सके, और भारत की इन्हीं बढ़ती मौजूदगी की वजह से चाइना का सरदर्द बढ़ता जा रहा है। सो चाइना भारत के विकास को रोकना चाहती है, इसलिए भी वह मालदीव्स का समर्थन कर रही है कि वो भारत को अपने यहाँ से आउट करे। हम फिर से वापस आते हैं लक्षद्वीप पर। भारत के 8 संघ शासित प्रदेशों में से एक लक्षद्वीप है जिसके पास टोटल 36 आइलैंड्स हैं। हालांकि सारे आइलैंड्स काफी छोटे हैं, जिसमें सबसे बड़ा आइलैंड है एंड्रोट आइलैंड जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर के आसपास है। इन आइलैंड्स का 97% हिस्सा जंगल है। लक्षद्वीप की कुल आबादी 64,000 है जिसके 90% लोग ट्राइबल्स हैं। लक्षद्वीप में टूरिज्म की शुरुआत 1994 में हुई थी। आज इंडिया अपने इस आइलैंड पर 1156 करोड़ का भारी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जिसके तहत कई प्रोजेक्ट्स जैसे ब्रॉडबैंड इंटरनेट, ड्रिंकिंग वाटर और इको टूरिज्म आदि शामिल हैं। और ये इन्वेस्टमेंट इंडिया आज मालदीव्स को जवाब देने के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि इसकी शुरुआत काफी पहले की जा चुकी थी।